विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले ही नक्सलियों ने मुखबिर के शक में एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को गुरुवार की रात को अंजाम दिया गया। दरअसल बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में जाना जाता है। जिले के लांजी क्षेत्र के कासपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत भक्कुटोला में नक्सलियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वह पूर्व सरपंच था। नक्सलियों ने उसे पुलिस का मुखबिर बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों को शक था कि शंकरलाल ने ही 3 साल पहले भक्कुटोला में मुखबिरी की थी, जिसके चलते पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मृतक की पत्नी कासनबाई पंद्रे ने इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि नक्सलियों द्वारा मेरे पति के मुंह में गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि मृतक पुलिस का मुखबिर नहीं था, यह नक्सलियों की कायराना हरकत है। आज अर्ली मॉर्निंग गांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकटोला गांव में एक लगभग 60 वर्षीय बुजुर्ग की नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में हत्या की है। पुलिस पूरे मामले को तफ्तीश में लेकर जितने भी लोग जो भी क्षेत्र है उसको हम लोग सिक्योर कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम लोग टेकअप कर रहे हैं। सर, किस तरह की रणनीति रहेगी सर घटना के बाद? सबसे पहले तो कि ये पिछले 2-3 सालों में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन बालाघाट में अच्छा काम हुआ है, हम लोगों ने नक्सल के जो मंसूबे हैं उनको बिल्कुल बैक टू पे पुश किया है। ये उनकी हताशा और मुझे सबसे सही शब्द जो है वो कायराना प्रतीत होता है, कायराना हरकत है, क्योंकि उनको पता है कि सुरक्षा बल उनसे काफ़ी सुपीरियर हैं और उन पर वो किसी भी तरह का प्रयास करने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक वृद्ध ग्रामीण की इस तरह से निशंस हत्या करना उनके असली मंसूबों को दिखाता है, असली नीयत को दिखाता है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पुलिस उस पूरे क्षेत्र में लगातार एरिया डोमिनेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसको हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे। डेफिनेटली ये उनके लिए क्लियर मैसेज है। हम लोग कितने लोग आए थे? 4 जन आए थे। कहाँ पे? घर में। अच्छा, फिर हम खा पी के सोए थे। 3 जन उन थे, एक बाई थी। वो दरवाजा को दोनों तरफ से बजाए थे, मेरे को नींद नहीं आई थी, मैं चुपचाप थी, उसको नींद आ गया था। उस तरफ खटिया में थे, उस तरफ गए और बजाए थे, वो चढ़ उसको नींद आई तो कोई गांव के होंगे कहीं कैसे चढ़ पड़ा के उठ गया और साकरी निकाल दिया। साकरी निकला तो वो घर में घुस गए। इसने चल इधर बाहर निकल बोले तो। कितने लोग घुसे थे घर में? 3 जन घुसे थे, एक जन बाहर था। 4 लोग थे? हाँ, 4 लोग थे। तो उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ था? हाँ, हथियार था। क्या था? बंदूक था चारों के पास। हाँ, फिर क्या किया उनने? फिर उनको उसको इधर बाहर निकाल बोले तो फिर उसको इधर आंगन में निकाले का इधर निकल आ गए। मोबाइल पूछे, उसको पूछे होंगे इधर इधर बाहर लाके मोबाइल, तो नहीं मोबाइल घर में छे ऐसे बोल होगा तो और गए घर में और मोबाइल घर भर ढूंढे इधर उधर। उसका बिस्तर को भी सब झर्रा झुर्रा के दे के मोबाइल, तो वो मोबाइल अच्छा नहीं मिला तो वापस आ गए। तो मेरे को बोलते हैं साकरी लगा बोलते हैं, तो मैं साकरी काहे के लिए लगाऊंगा बोलता हूँ। उसको उधर ले जाते हो, मेरे को साकरी लगाने बताते हो, वैसे बोला तो वो इधर चले गए, आ गए इधर इनको लेके चाहे। हाँ, फिर उसके बाद में क्या आवाज वगैरह आई क्या बंदूक चलने की? 1 घंटे के बाद में आवाज आई। जब तक इनसे बातें करते रहते क्या? इधर बाहर इधर लाके बोले होंगे कुछ। यानी 1 घंटे बाद में बंदूक चलने की आवाज आई। हाँ, 1 घंटे के बाद। फिर आप यहाँ कैसे देखे आके? अभी सब लोग देखे हैं सुबह। तो रात में तुमने नहीं देखे, कहाँ गए? मैं अकेली हो गई, रात में डर लग गए, कैसे कैसे बाहर निकलते। वो साकरी को तो गुजर लगा के मैं चुपचाप बैठे रह गए रात भर। अच्छा, तो उन्हें बाहर से दरवाजा बंद किए थे क्या? मैं अंदर से दरवाजा बंद की, बाहर आएंगे कह के। अच्छा, मेरे को डर लग गई ना, अकेली थी तो उसको इधर लाए थे तो ठीक है। संकरी लगा के जैसे चुपचाप रात भर खटिया के ऊपर बैठे रह गई। पर ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।